हाय फ्रेंड्स, जीएस स्पोर्ट्स क्लब में आपका स्वागत है। मैं आपको जोहर सिंह। जैसा कि मैं पहले से ही जो वीडियो बनाता हूँ आ रहा हूँ, संडे का, मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, थर्सडे का और फ्राइडे का, ये मैंने वर्कआउट जो डाल दिया है। और आज जो हम वर्कआउट के बारे में बात करेंगे वो करेंगे सैटरडे के। सैटरडे का वर्कआउट रह गया है तो उसी को लेकर के आज मैं जो वीडियो बनाऊँगा। तो इसमें क्या है कि सैटरडे के दिन आपको पता ही कि पहले हमें रनिंग करनी है 2 से 3 किलोमीटर, उसके बाद फुल तरीके से आपको जो है वार्म अप करना है बॉडी को। और वार्म अप करने के बाद आपको जो है सैटरडे के दिन क्या होता है, सैटरडे ओवरऑल यानी कि हमने पूरे ही सप्ताह में जो वर्कआउट करा है उसमें जो एक्सरसाइज हमारी मेन है वो सारी एक्सरसाइजें हमें लगानी होती हैं सैटरडे वाले दिन। खासकर सैटरडे को ही सारी एक्सरसाइज, आपकी स्नैच हुई, क्लीन हुई, जर्क हुआ, फ्रंट जर्क, बैक जर्क, ये सारी एक्सरसाइजें जो है आपको, जंपिंग वगैरह, ये सारी एक्सरसाइजें आपको जो है सैटरडे के दिन जो लगानी होती हैं, यानी कि एक सर्कट ट्रेनिंग बोलते हैं, वो एक्सरसाइजें आपको जो है इसमें करनी होती है सैटरडे में। स्प्लिट स्नैच वगैरह भी आप लगा सकते हैं सैटरडे में, यानी कि एक अच्छा खासा वर्कआउट, हार्ड भारी वर्कआउट जो आपको करना होता है। और इसमें क्या है कि सर्कट ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद आपको वही जो रूटीन हमारा पहले रहा है उसके बाद आपको जो है रेस्ट करना है, स्ट्रेचिंग करनी है, रिलैक्स करना है बॉडी को, और जो है उसके बाद आप जो फ्री हो जाते हैं। ये हो गया आपका सैटरडे के सुबह का। और फिर इसी तरीके से हम जो शाम को क्या करेंगे, शाम को हम हमारा जो सैटरडे का दिन होता है उसके दिन हमें जो है कोई थ्रो व्रो लगानी नहीं होती, ना ही कोई ज़्यादा वर्कआउट वगैरह करना होता है इसके दिन। सैटरडे के दिन हम क्या करेंगे शाम के टाइम, एक्टिव रेस्ट, एक्टिव गेम कोई भी ले लो एक, जैसे मान लो आप फुटबॉल हो या टीम गेम जो होते हैं, जैसे मान लो रैकेट बैडमिंटन हो, या फिर आपका ये कर लो कि हॉकी हो, या जो भी इवेंट आपका जो आप कर सकते हैं एक्टिव रेस्ट के साथ में, आपको जो है एक्टिव गेम होते हैं उन्हें आप जो करें सैटरडे के दिन, तो ये हमारा वर्कआउट रहता है। इसमें आपको कोई भी थ्रो या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी होती है जो हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, आपको केवल गेम खेलना होता है, एक्टिव रेस्ट में आता है वो। तो इसमें जो सबसे अच्छा जो हमें लगता है वो फुटबॉल ही लगता है, क्योंकि इसमें जो है ओवरऑल बॉडी की जो वर्क करती है और अच्छी तरीके से वार्म अप हो जाता है। तो इसी तरीके से हमारा ये सैटरडे का वर्कआउट पूरा हो गया। और इसी फिर अगले दिन जो आता है हमारा वो आता है संडे। और संडे के दिन इसलिए मैंने वर्कआउट हार्ड बताया है सैटरडे के दिन, पूरी सप्ताह का निचोड़ है एक तरीके से, सारी एक्सरसाइजें उसमें करनी होती हैं, क्योंकि संडे आता है तो हमें रेस्ट मिल जाता है अच्छी एक्सरसाइज करने के बाद, तकड़ी एक्सरसाइज करने के बाद। और रेस्ट मिलने के बाद हमारा क्या होता है कि मैंने जैसे बता रखा है कि मंडे में जो है हमारा थ्रो का दिन होता है और कंपटीशन का दिन होता है हमारा, कंपटीशन करते हैं बच्चे आपस में। तो इससे क्या होता है कि हमारा एक तो हमारा हैवी वर्कआउट हो जाता है सैटरडे में, उसके बाद हमें जो है संडे का पूरा रेस्ट मिल जाता है, बॉडी जो प्रिपेयर हो जाती है, आराम से रिलैक्स हो जाती है बॉडी, कोई बॉडी में खिंचाव या कोई भी चीज़ रहती नहीं है। इस तरीके से आपको जो है मंडे में बड़ा फ़ायदा मिलता है, मंडे के दिन आप आराम से कंपटीशन कर लेंगे और जो है आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से एक पूरा मैंने शेड्यूल बताया है, अलग अलग वीडियो के माध्यम से बताया है मैंने वर्कआउट का, संडे का और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सारा एक सप्ताह का पूरा मैंने वर्कआउट डाल दिया है अलग अलग वीडियो में। तो इस तरीके से आपको जो है आप पूरी वर्कआउट को फॉलो करते हुए जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप घर पे हों या कहीं भी हो, किसी भी ग्राउंड में, गांव के हों चाहे आप शहर से हों, जो भी है, तो आप जो है इस तरीके से आपका पूरा सप्ताह का वर्कआउट हो जाता है। धन्यवाद।